Hello everyone, once again welcome back to my channel. I'm your doctor, Dr. Arif, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon. तो आज मैं आपको एक बहुत ही न्यू और एमर्जिंग ट्रेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्किन फास्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्किन फास्टिंग क्या होता है, किन लोगों के लिए स्किन फास्टिंग का ये कंसेप्ट ज़रूरी है, स्किन फास्टिंग अगर करनी है तो किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, स्किन फास्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं एंड स्किन फास्टिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्किन फास्टिंग क्या होता है, तो हम देखते हैं कि कई बार हमारी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि डेली रूटीन में अपना नॉर्मल स्किन रूटीन केयर फॉलो कर रहे होते हैं, बट एक या दो प्रोडक्ट यूज़ ना करके बहुत सारे प्रोडक्ट एट वन टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं और नाइट में कई बार दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि विटामिन सी सीरम, एंटी पिगमेंट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, रेटिनॉइन और रेटिनॉल। तो ये जब इन चीज़ों को शुरू करते हैं तो इनिशियली तो इन्हें इन सब चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट लगता है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीने बाद ये कंप्लेन करते हैं कि इनिशियली तो इनको इन प्रोडक्ट से काफ़ी बेनिफिट हो रहा था, बट धीरे धीरे इनको स्किन में प्रॉब्लम होनी चालू हो गई है, जैसे कि इनको इचिंग होना चालू हो गया है, रेडनेस रहने लग गई है स्किन। तो इन पेशेंट को हम ये एडवाइस करते हैं कि जो भी इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ यूज़ कर रहे हैं इनको आप स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम स्किन को इन प्रोडक्ट से फ्री रखिए और फिर धीरे धीरे स्किन अपना नॉर्मल हील हो जाएगी और आपको ये सब सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल डेली स्किन केयर रूटीन चालू कर सकते हैं। तो ये जो हम इनको एडवाइस करते हैं कि आपको अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लगाना है या मिनिमम स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने हैं। मिनिमम का मीनिंग है कि आपको सिर्फ सनस्क्रीन लगानी है, एक माइल्ड क्लिनजर यूज़ करना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है। इसके अलावा कोई विटामिन सी, रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, कोई AHA, BHA ये सब चीज़ें नहीं लगानी हैं। स्किन फास्टिंग का ये मीनिंग होता है कि जब आप एक साथ इतने सारे एक्टिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं फेस पर तो आपको इनिशियली बेनिफिट होता है बट उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही जिस मेथड को यूज़ किया जाता है उसको स्किन फास्टिंग बोला जाता है। सो स्किन फास्टिंग में आप अपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं उनको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने की ये ड्यूरेशन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक की हो सकती है। इस दौरान होता क्या है कि आपकी जो स्किन है वो हील होती है, वो अपना जो उसका नॉर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर फिल्म है वो उसको रिगेन करती है, उसके जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है उसको रिगेन करती है और इन सब के बाद आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं वो ठीक होना चालू हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन को दोबारा चालू करें और उसको चालू करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप सारे प्रोडक्ट को एक साथ स्टार्ट ना करें, एक एक करके स्टार्ट करें। मॉर्निंग में सनस्क्रीन, क्लिंजर और मॉइस्चराइज़र आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो आपका एक्टिव प्रोडक्ट है, जो नाइट टाइम प्रोडक्ट है, विटामिन सी, रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, एंटी पिगमेंट क्रीम, ये आप एक साथ स्टार्ट ना करके एक एक करके स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपको ये सारी जो प्रॉब्लम है एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो रही हैं या किसी प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रही हैं तो इसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जब आप एक एक करके प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, सपोज़ आपने दो प्रोडक्ट यूज़ की है तो उससे आपको कोई इशू नहीं हुआ और फिर आप थर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपको सिम्टम्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं तो इसका मीनिंग इनडायरेक्टली ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्किन फास्टिंग किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये उन लोगों को यूज़ करनी चाहिए जो कि पहले से काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद उनको कुछ स्किन इश्यूज चालू हो जाते हैं, तो उसके लिए ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है। तो स्किन फास्टिंग अगर आप कोई प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कुछ हफ्तों के लिए उन प्रोडक्ट को स्टॉप करना होता है या कुछ मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और माइल्ड क्लिंजर। उसके बाद हम आते हैं कि स्किन फास्टिंग के क्या बेनिफिट हैं। स्किन फास्टिंग का बेनिफिट यही है कि जब आप स्किन फास्टिंग करते हैं तो आपके स्किन का जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन है वो रिगेन होता है, आपके स्किन के लेयर में जो नॉर्मल फैट्स हैं वो आते हैं, उसका जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एक्सेसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके स्किन पे जो
बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो चले जाते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको एक्ने के दाने या कुछ पेनफुल या पस फील्ड निशान बनने चालू हो जाते हैं। तो देन नेक्स्ट हम आते हैं कि स्किन फास्टिंग से के क्या क्या फ़ायदे हैं और स्किन फास्टिंग के क्या क्या नुकसान है। तो स्किन फास्टिंग का फ़ायदा यही है कि अगर आपको नॉर्मल डेली केयर रूटीन प्रोडक्ट से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं, बट इसके साथ ही इस हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका टारगेट था, जो भी आपको अचीव करना था, जैसे कि आपको अपने स्किन का पिगमेंट कम करना था या उसका किसी प्रोडक्ट का एंटी एजिंग इफेक्ट लाना था, तो उसको वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइम पे ना आने की बजाय थोड़ा सा लेट आता है, बिकॉज आप कुछ टाइम वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ टाइम गैप दे देते हैं। तो जब आप उस गैप देते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो सेम डिग्री ऑफ इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगता है। तो एक साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है कि अपना डिज़ायर्ड स्किन इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपको आप भी डेली केयर रूटीन में काफ़ी सारे एक्टिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं और आपको भी ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो अब आपको ये पता होगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और आप एक सही समय पर एक सही स्टेप ले पाएंगे और इन साइड इफ़ेक्ट से छुटकारा पा सकेंगे। थैंक यू।